आज हम लोग रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन्स देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये रहा एक अंकल अपने हेलीकॉप्टर के साथ फोटो खिंचाते हुए, और ये हेलीकॉप्टर उन्होंने घर पे ही बनाया है। मेरे से घर पे चाय नहीं बनती, ये लोग हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। चले देखते हैं इस हेलीकॉप्टर को असेंबल कैसे किया गया है। गाड़ी के डिक्की में हेलीकॉप्टर की बॉडी लेके आया है। भैया आगे से कुछ मच्छी जैसी नहीं दिखती है, जैसे मच्छी का नाक ही काट दिया हो। देखो अंकल भी हंस रहे हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर की वायरिंग की जा रही है और यहाँ पर हेलीकॉप्टर के पंख लगाए जा रहे हैं। अच्छे से टाइट करो भैया, कहीं निकल ना जाए बीच में ही। तो उनको तेरे से ज्यादा पता है भाई। तो ये रहा हेलीकॉप्टर का मैकेनिज्म लग चुका है भाई, बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। और ये इसने घर पे कैसे बनाया यार? ओ वाओ, ये रहा हेलीकॉप्टर का इंजन, जिसमें से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किधर है। और ये रहा हेलीकॉप्टर की वायरिंग, इधर कंप्यूटर का पंखा लगाया हुआ है। यस, एक चीज पहचान ली मैंने। अब हेलीकॉप्टर के पीछे का टेल लगाया जा रहा है। टेल को भी एकदम बराबर अलाइन करके लगाएंगे। ये पूरा हेलीकॉप्टर लगता है मेटल से बना हुआ है, वहाँ पर वेल्डिंग किया हुआ दिख रहा है। बट मेटल से बना है तो वजनदार नहीं हो जाएगा? तो अगर पीछे का टेल भी लग चुका है, ये पंखा हेलीकॉप्टर को लेफ्ट राइट घुमाने में काम आता है। ओ ये तो बंदूक लगा रहा है भाई, क्या चैड अंकल है यार ये, किसको उड़ाने का प्लान है भाई? दोनों साइड हेलीकॉप्टर के मिनी गन लगाए हुआ है और नीचे अब मिसाइल भी लगाने जा रहा है। फुल GTA रियल लाइफ कर दिया अंकल ने। ये क्या है, दो बड़ी बड़ी बैटरी? अच्छा तो ये पट्टा बैटरी के लिए था, मुझे लगा कोई तो पैर रखने वाला है उधर। ऐसे मुझे बहुत कुछ लगते रहता है लेकिन सीरियसली लेने का। अब ये बैटरी को दो रेड वायर से कनेक्ट करने वाला है। यू नो व्हाट, नीचे भी एक रेड कलर का वायर है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा है, उस वायर को लाइक बटन के साथ कनेक्ट कर दो, दोनों को मार दो, कनेक्ट हो जाएगा। क्या मस्त फेंकता हूं ना मैं। अब हेलीकॉप्टर की विंग लगाने का टाइम आ गया। ये विंग भी क्या स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बना होगा, और विंग को अच्छे से स्क्रू कर देंगे। तो हेलीकॉप्टर के दोनों विंग लग चुके हैं, लेकिन अंदर पायलट नहीं बिठाया अब तक। भले ही रिमोट कंट्रोल हो लेकिन एक नकली पायलट बिठा दो। अब तो हेलीकॉप्टर चला उड़ान भरने, भैया धक्का मार रहा है पीछे से, ये पंखा कुछ ज्यादा ही हिल रहा है। उड़ान क्षेत्र आ चुका है, अब साइड का मिनी गन चालू किया जाए। अच्छा लाइट चालू कर रहा है, ओके भाई दिन में क्यों लाइट चालू कर रहे हो, सबको दिख रहा है वो काला काला हेलीकॉप्टर। अरे रे रे, अंकल ने नाके निकल दिया हेलीकॉप्टर का, लगता है वायर कनेक्ट करना भूल गए क्या अंकल? अंकल का दिमाग बहुत है, अंकल को कुछ बोलने का नहीं। चलो वायर कनेक्ट हो चुके हैं, अब नाक लगा दो फिर से। एंड दद्दू इज रेडी फॉर फ्लाइंग, सॉरी हेलीकॉप्टर इज रेडी फॉर फ्लाइंग। हेलीकॉप्टर के मोटर को फुल रेव किया जा रहा है। फ्लाइंग इन 3, 2, 1.50। ये आराम से भाई, गिरा ना मत, अगर ये गिरा ना पूरा टूट जाएगा। एंड हेलीकॉप्टर आगे बढ़ रहा है, पैर ऊपर ले लिए उसने, और ये मेरी तरफ मुड़ रहा है। भाई मिनी गन चालू मत कर देना इधर। और ये हेलीकॉप्टर उल्टा उड़ने लग गया है, वाह उल्टा भी उड़ता है हेलीकॉप्टर। अब ये हेलीकॉप्टर जंगल की तरफ जा रहा है, झाड़ियों में पानी डालने जा रहा है वो। एंड ये हेलीकॉप्टर टच डाउन हो चुका है एकदम सक्सेसफुली, नाइस वर्क दद्दू। ओ तेरी, ये क्या है, एंटोनोव 225। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन है एक्चुअली, और इनका इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है। ये रहा प्लेन का इंजन बिठाते हुए। भाई थर्मोकॉल तो हटा लो, वो अंकल कैमरा लेके खड़े हैं पीछे व्लॉग करने के लिए। इसके पहिए ही कितने सारे हैं बे। अब थर्मोकॉल हटा के इंजन बिठा दिया गया है। ये एरोप्लेन के एब्स दिख रहे हैं भाई, एरोप्लेन के अंदर एक गोल्डन सलिया घुसाते हुए, और उस सलिए के ऊपर एरोप्लेन की विंग लगाने वाला है। पीछे वाली दो छोटी, पीछे वाली दो विंग्स लग चुकी है, अभी आगे का विंग आने वाला है। बहुत ही बड़ा विंग है ये भाई, इसका वजन ही कितना होगा, उड़ेगा क्या ये, इसको फिटिंग करने में कितनी मेहनत जा रही है। ये रहा दूसरे साइड का विंग लगाते हुए, भाई क्या मस्त दिख रहा है ये, मेरे को भी ऐसा बनाने का मन हो रहा है। ये एयरप्लेन का नाक है ना, ऊपर से ऐसा खुलता है। अभी इसके अंदर पेट्रोल डाला जा रहा है, ओके ये असली वाला पेट्रोल यूज करता है उड़ने के लिए। वाह भाई क्या ही गजब दिख रहा है, टोटल 6 इंजन है इसके। अब इसको उड़ान क्षेत्र की तरफ ले जाया जा रहा है। ये एक्चुअली ऑल्टो से भी बड़ा है। ये अंकल वीडियो निकाल रहा है, अंकल मस्त वीडियो निकालो, फुल सिनेमैटिक शॉट्स आने चाहिए। और ये प्लेन का इंजन चालू कर दिया है भाई, कितना आवाज आ रहा है, मैं इधर ही बहरा हो जाऊंगा बे। उड़ाने के लिए लगता है पीछे से धक्का मारना पड़ेगा, मारो अंकल जोर का धक्का मारो। और ये बाकी के प्लेन्स भी है यार, कितने मजेदार दिख रहा है। और ये हमारा एंटोनोव चल रहा है उड़ान भरने के लिए। अबे रनवे किधर है, घास पे उड़ाएंगे क्या? ये अपना एयरप्लेन फुल तेजी में उड़ते हुए आगे से उछल रहा है पूरा। एंड ये उड़ान भरना शुरू, ओ भाई उड़ गया भाई, एक नंबर, फुल पक्षी जैसा दिख रहा है, सफेद सफेद आसमान में जाके अभी असली वाला प्लेन दिख रहा है। उड़ने वाले पक्षी भी घबरा गए होंगे पूरे। और ये प्लेन का बॉटम भी अपने सर के ऊपर से जा रहा है, एक नंबर भाई। ओके अब प्लेन के पहिए नीचे आ चुके हैं, अभी उतरने वाला है, लैंडिंग होने वाली है। और ओ डैश कर गया भाई, अरे फिर से उड़ गया। और ये फिर से डैश, ओ भाई इंजन टूट गया, मैं बोला था कुछ तो होने वाला है इधर। सब लोग ताली बजा रहे हैं भाई, ताली बजाओ भाई, कोई बात नहीं फेविक्विक लगा दो जुड़ जाएगा। हाई एयरवेज का नया प्लेन आ चुका है, एयरबस A380 होममेड स्केल 1:13। ओके अंकल धक्का मारते हुए अच्छा लग रहा है कि नहीं? अंकल ने भाव नहीं दिया, बेचारे अंकल की कमर दुख रही है। अब प्लेन का इंजन शुरू हो चुका है, और यहाँ पर प्रॉपर रनवे है, वो घास वाला नहीं है। और ये प्लेन अब आगे बढ़ रहा है टेक ऑफ के लिए। भाई अगर लोग बाजू में ना खड़े हो ना तो एकदम असली दिखता है। ओ पीछे एक ड्रोन भी उड़ रहा है, लगता है ड्रोन सिनेमैटिक शॉट छापने वाला है। ओ ये ड्रोन का पॉइंट ऑफ व्यू, अरे असली बड़ा वाला प्लेन ही दिख रहा है भाई। और ये ड्रोन प्लेन के नजदीक जा रहे है, अरे भाई ठोक देगा तो उसको। ओके अबे आगे ही जा रहा है लेकिन उड़ेगा कब? प्लेन ने यहाँ पर 90 डिग्री टर्न लिया है, क्या मस्त चैड एंट्री दिख रही है भाई। अब प्लेन के उड़ने की बारी आ चुका है, अरे कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया, और सीधा करो इधर इधर इधर, हाँ और थोड़ा इधर और थोड़ा, हाँ बस बस बस। और प्लेन के इंजन फायर अप हो चुका है, एंड हियर द प्लेन गोस, उड़ा उड़ा, अरे उड़ना शुरू हो गया भाई, एक नंबर।
बार भाई क्या तेजी से उड़ा यार, और उसके पीछे पीछे ड्रोन भी जा रहा है। ये ड्रोन का पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, एक नंबर। लेकिन थोड़ा सीधा करो भाई, ये तो फुल गेम जैसा लग रहा है, एक्चुअल में GTA लग रहा है यार। भाई ये लोग ने मॉडल रनवे भी बनाया हुआ है, और ये लैंड करने वाला है। अबे पहिए तो निकाल, क्रैश हो जाएगा। अबे ओके ओके ओके, मेरा हार्ट बीट तेज हो गया था। इधर ये रहे वो अंकल जी जो कि कंट्रोल कर रहा है, चश्मा टोपी पहन के मस्त स्टंट मार रहा है भैया। चलिए अब प्लेन लैंड करने वाला है, देखते हैं ये क्रैश होता है कि नहीं। नहीं होना चाहिए। ओके आराम से बेटा आराम से, कोई गाय नहीं है। पहिए तो नीचे आ चुके, आई थिंक ये स्मूथ लैंडिंग हो जाएगा। हो गया भाई, एकदम स्मूथ लैंडिंग, और लोग भी ताली बजा रहे हैं, वाह वेरी गुड। टेढ़ा हो गया था बीच में भाई। प्लेन आ चुका अपने ओनर के पास, और ये ओनर चाबी निकाल रहा है। निकालो भाई, अब थोड़े क्रैशेस देखते हैं। ये रहा सबसे पहला प्लेन, और ये ओके सिर्फ पैर टेढ़ा हुआ है। दूसरा हेलीकॉप्टर उल्टा उड़ते हुए बहुत ही शट मार रहा है, गिरने वाला। और एक हेलीकॉप्टर जो फुल आड़ा टेढ़ा उड़ रहा है, और दूसरा हेलीकॉप्टर रखे क्रैश हो गया भाई, फुल प्लास्टिक के पार्ट उखड़ गए भाई। ये रहा एक हेलीकॉप्टर जो कि खतरनाक स्टंट मार रहा है भाई, क्या एपिक था ये। ये वाला हेलीकॉप्टर देखते है, पूरा टूट गया भाई, पर लोग ताली बजा रहे भाई। यहाँ पर मल्टीपल प्लेन्स खड़े, और ओ ओ ओ ओ तेरी खड़े उल्टा हो गया भाई। और दूसरा प्लेन लैंड करने की कोशिश कर रहा है, ओ एक बार लैंड हो चुका था बट दूसरी बार टूट गया। ये रहा तीसरा प्लेन, सक्सेसफुली उड़ चुका है, लेकिन ओ तेरी ये बहुत गंदा क्रैश था, सीधा उड़ के टॉइंग हो गया। बेचारे लोग क्रैश का निरीक्षण करते हुए। ये बेल्यू का प्लेन है जिसका ऊपर का पार्ट ऐसा एकदम एलियन जैसा होता है, और ये ओ ओ ओ उतर गया भाई, ये सक्सेसफुली उतर गया ये। और ये एयरफोर्स का प्लेन आ रहा है इधर, एंड फुल खेती में घुस गया। और एक प्लेन घास में लैंडिंग करते हुए, और ये लैंड हो गया। क्रैश किधर हुआ? ओ ओ ओ ओ ओ, इसका पिछवाड़ा फुल उछल गया। ये प्लेन हवा में उड़ रहा है बहुत ही तेजी से, और ओ भाई हवा के वजह से टूट गया ये। वाओ दैट वाज एपिक यार, हवा ने तोड़ दिया प्लेन को भाई, वाह। और ये प्लेन के बचे कुचे पार्ट्स अभी गिर रहे हैं हवा में से। ऑरेंज कलर का प्लेन, और ओई खड़ा हो गया भाई प्लेन। प्लेन इज लाइक सी माय ठग लाइफ। और एक फाइटर जेट, और ये कहीं तो जाने वाला है। पीछे से आग निकल रही है, और झाड़ियों में जाके घुस गया भाई। एक प्लेन लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है, और फुल इंजन टूट गया उसके। और एक प्लेन घास में से उड़ान भरते हुए, और ओ ओ जल गया भाई, बोला था घास से मत उड़ो। बेचारे को पेशेंट की तरह लेके जा रहा है, एरोप्लेन का कलर भी एम्बुलेंस जैसा है। और ये प्लेन उतरने की कोशिश कर रहा है, ओ ओ नहीं उतरने वाला, नहीं उतरने वाला, पहिया टूट गया भाई। येल्लो कलर का प्लेन उतरने की कोशिश कर रहा है, और उई पलटी खा गया। दिस इज दी उल्टा ठग लाइफ। और उसके आगे का पंखा भी टूट चुका है। ये क्या हेलीकॉप्टर के बीच में फाइट हो रही है क्या? ओ ओ ओ ओ, फुल स्टेज के बाहर गिरा दिया भाई। येलो वाला जीत गया, रेड वाला जल गया। ये एक ब्लैक कलर का एयरप्लेन एकदम अलग दिखने वाला, बहुत ही स्पीड में जा रहा है, और ये कहीं तो जाके ओ सीधा जमीन पे ही ठोक दिया भाई, टूट गया भाई अपने उड़ने वाला वो। और एक लैंडिंग फेलियर होने वाला है, ओ हो गया। अरे मिट्टी में कौन उतरता है यार एरोप्लेन को, लगता है मुझे ही जाके उनको सिखाना पड़ेगा। सी फ्रैप का हेलीकॉप्टर आया हुआ है अंदर, एक मॉडल पायलट भी बैठा हुआ है, और पहले से टूटा हुआ है। ओके अभी क्या खुदाई करने जा रहे हो क्या भाई? पंखे के बीच में हाथ मत डाल, कट जाएगा ब्रो। पंखा उतार दिया और लोग ताली बजा रहे हैं। ओके फाइन, और एक एम्बुलेंस वाला एयरप्लेन, और गया सीधा खाड़ी के पीछे। ये जगह क्या मस्त है यार, पहाड़ों के बीच में रह रहे लोग, मुझे भी जाना है उधर। और एक बंदा एयरप्लेन उल्टा चला रहा था, और उल्टा ही उतार दिया। ओके और एकदम छोटा सा दिखता हुआ एयरप्लेन है भाई, कितना फास्ट उड़ रहा है ये, और उतनी तेजी से गिर भी गया। दिस बॉय बी लाइक ये क्या हो गया भगवान। ये प्लेन पानी के ऊपर उड़ रहा है, और पानी के अंदर ही जाके सो गया भाई, उसको पानी बहुत पसंद है। ओ पानी के अंदर भी चल रहा है, नाइस, लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा, थोड़ी देर में डूब जाएगा वो। और ये डूबना शुरू हो गया। ओके और एक एयरफोर्स वाला प्लेन, और ये पहले से ही डगमगा रहा है, इसका बैलेंस पहले से ही हिला हुआ है, और ये टूटा, एंड ओ दैट वाज अ वेरी हार्ड लैंडिंग, लेकिन एट लास्ट लैंड हो गया। और एक एम्बुलेंस कलर का हेलीकॉप्टर, और इसको क्या होने वाला है आई, पीछे से धमाका छोड़ा और ये नीचे जाके बैठ गया। हेलीकॉप्टर भी धमाका छोड़ रहा है पीछे से मतलब, और ये छोटा सा प्यारा सा हेलीकॉप्टर है, उसके आगे एक पायलट भी बैठा हुआ है, कितना क्यूट दिख रहा है। अब सवाल ये है कि ये उड़ेगा क्या, ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ये उड़ेगा, और ये डगमगा के गिर गया। चेहरे पायलट का नसीब ही खराब है, सफेद कपड़ा पहन के बैठा था और गया। ये एक डायनासोर बर्ड जैसा एरोप्लेन बनाया लोग ने, और ये उड़ाने वाला है, फेंका और ये नसीब से उड़ गया, मेरे को लगा अभी क्रैश हो जाएगा। और हवा में उड़ते हुए क्या मस्त दिख रहा है यार, एकदम एपिक। And बच गया भाई, हंस मत तू। ये एक जेट एयरप्लेन उड़ते हुए आग पकड़ लिया, और भैया पानी डाल रहा है भाई, पानी नहीं मिट्टी डालो, आपकी मर्जी जो डालना है डालो, लेकिन बुझा दो। और आग के बाद कुछ प्लेन का ये हाल बचा हुआ है, प्लेन फुल पेपर जैसा हो गया। आई थिंक आज के लिए बहुत सारे प्लेन देख लिए मैंने, अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।